वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिनको यार के ड्रामास पसंद है ना यार, उनके लिए यार ये सीरीज़ बहुत मज़े की है। इस सीरीज़ का नाम है वैसे माई डीमन, यार बहुत मज़े की है ये सीरीज़ है। दिखावा कर रहे हैं? मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरा काम ही मेरी जिंदगी है और मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी। यार जिनको रोमांस टाइप या लव स्टोरी वाली या ड्रामा टाइप सीरीज पसंद है ना, उनके लिए ये माई डीमन यार बहुत मजे की ये। आप एक दफा देखो आप इसके दीवाने आ जाओगे यार। पहले ये इंग्लिश में रिलीज हुई थी माई डीमन, मतलब ना ओरिजिनल, मतलब हिंदी में नहीं थी, ओरिजिनल लैंग्वेज में ही थी कोरियन में। अब इसको हिंदी में डब्ड कर दिया गया है, अब ये हिंदी में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे। यार बहुत मजे की सीरीज है यार। हम इसकी स्टोरी पे वैसे बात करें माई डीमन की, मैं आपको बता नहीं सकता यार, मैंने जब ये सीरीज देखी है ना, मैं तो इसका दीवाना हो गया यार। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है यार, जो करेक्टर और जो हीरोइन है, जो हमारी, आपको इतना दिल लग जाता नहीं उनसे, आपका दिल करता है आप एक से एक अगले से अगला एपिसोड इसका देखते रहो यार। फैमिली साथ आप नहीं से रह सकते, कुछ इसके अंदर ऐसे वैसे सीन है किसी के, इसलिए आप अगले आदमी में देख लो, बहुत मजे की सीरीज है। आप इनको मेरी ख्वाहिश है कि तुम वापस आ जाओ। स्किप करके आप इसको देख सकते हो, बहुत मजे की सीरीज है माई डीमन। आप एक दफे इसको देखोगे ना, अब इसके दीवाने यार, इसके 16 एपिसोड हैं, हर एक एपिसोड की रेंट 1-1.5 घंटे के आसपास ही है। इसकी स्टोरी की बात करें माई डीमन की, या इसके अंदर जो डीमन होता है ना, मतलब आप आम भाषा में इसको शैतान कहते हैं, मतलब ये अच्छा वाला होता है, मतलब ना ये ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है लोगों से, कोई भी ख्वाहिश पूरी कर देता है जिसे ना। मैं आ गया। ना वो 10 साल बाद ना उनकी जो रूह है वो दोजख में जाएगी, मतलब जहन्नुम में, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। बीच में ना उसको ना एक लड़की से प्यार हो जाता है यार। अब आपने देखना यार, बहुत मजे की यार ये सीरीज है माई डीमन, मैं आपको बता नहीं सकता यार। जो हमारा जो डीमन है, मतलब जो हमारी मेन एक्ट्रेस है, जो हमारा माई डीमन है उसका नाम है जोंगजोंग, जो हमारी मेन एक्टर है दुदु ही, वो माई डीमन जो है हमारा डीमन, उसको वो पसंद करना शुरू कर देती है। अब आपने देखना है इनका प्यार कितना सफल होता है, क्या सीन होता है, बहुत मजे आई ये सीरीज है माई डीमन यार। इन दोनों का एक दूसरे से प्यार होता है, आपने देखा इन दोनों की शादी होती है कि नहीं होती है। कितनी दफा ये डोला खुल जाए। इसके अंदर ना जो हमारी दुदु ही है उसकी बार मुसीबत आ जाती है, क्योंकि जो बचपन में ना उसकी माँ बाप गुजर जाते हैं। अब आपने देखना कैसे गुजरते हैं, उनका ना कार एक्सीडेंट में होता है वैसे मर्डर, और ये नहीं पता क्या सीन होता है, वो ना उसी में लग जाती है। फिर ना उसकी जो उसकी देखभाल करती है ना, जो अमीर घराने वो अच्छे मालिक होती है। अब यहाँ क्या करता रहता है? वो मर जाती है, वो परेशान होती है मैं कैसे संभालूंगी क्या नहीं। अब वो उसके बाद उसका दिल और टूट जाता है, काफ़ी यार उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब उनके जो परिवार है सारी जायदाद दुदु ही के पास आ जाती है, अब वो जो सारे ना दुदु ही पर हमला करते हैं। अब आपने देखना कौन हमला कर रहा होता है उनके फैमिली में से, या कोई गैर। No, loving you is a losing game.
बंदा है, क्या सीन है यार, बहुत मज़े की सीरीज है माई डीमन यार, आप एक दफ़ा देखो इसके दीवाने हो जाओगे यार। इसके अंदर ये भी बताया गया मतलब ना, जो डीमन है ना 2 सालों से डीमन बना हुआ है, जो पहले वो इंसान था उसको वो अपनी यादें ना याद नहीं होती हैं। इसमें इनका पिछले जन्म में ना जो हमारी दूध ही मेन करेक्टर है उसका नाम वोल्शिम होता है, और जो माई डीमन होता है ना उसका यंग मास्टर के नाम से दिया गया है। बहुत मज़े यार ये सीरीज है माई डीमन यार, आप देखो यार बहुत मज़ा आएगा। हिंदी में यार ये अवेलेबल है यार नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में, मैं आपको बताया दे सकते हो यार, आपको मज़ा बहुत आएगा इस सीरीज़ को देखने में। शायद इसका अगला सीज़न दे नेटफ्लिक्स वाले यार, वैसे हिट तो बहुत गई, लोगों ने इसको पसंद भी किया, काफ़ी रेटिंग भी आई है, बहुत मज़े की सीरीज़ है माई डीमन। आप देख लोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर अपडेट नोटिफिकेशन वेब सीरीज मूवीज़ की आपको मेरी मिल सके। Yeah।